प्यारे बच्चों, परम्यूटेशंस में जस्ट सुकून के साथ अगला कदम आगे बढ़ाइए। एन ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें कितने प्रकार से अलट पलट के रीअरेंज कर सकते हो? आंसर सिंपल, फैक्टोरियल एन। अगर इनमें से पी थिंग्स, टोटल तो एन है, ये पी थिंग्स एक जैसे हो आइडेंटिकल और क्यू अलग से हो और आर अलग से एक जैसे हो, तब इन दोनों को आपस में पलटने से क्या फर्क पड़ेगा? आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ने, जबकि पलटने से वो अलग काउंटिंग में गिना जा चुका है। अगर आप ये लें, उसमें तो हर एक पलटी के लिए अलग काउंटिंग दर्ज हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों को आपस में पलटने से, इसको इसको आपस में पलटने से, इसको इसको आपस में पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आइडेंटिकल होते, सॉरी अनआइडेंटिकल होते, तो फैक्टोरियल पी वे से इनको चेंज कर सकते थे। अब ये सारे सारे एक में गिने जाएंगे, इन सब का एक कॉलम बन गया, सो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल पी, आल्सो डिवाइड बाय फैक्टोरियल क्यू। ओके, एक नोट लिखें फटाफट, समझ में आ गया सारी बात। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन थिंग्स इन विच पी थिंग्स आर आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, क्यू आर आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप एंड आर आर आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप इज दिस। ये नोट कर लें, एग्जाम्पल से समझें बात को। ये फोर लेटर्स का एक वर्ड है, इसे कितने प्रकार से अलर्ट लड़ सकते हो? फैक्टोरियल फोर। हर एक चेंजिंग के लिए अलग काउंटिंग आ चुकी है, इन चौबीसों में ही है वो एक। इन द केस ऑफ एप्पल, वन टू थ्री फोर फाइव फैक्टोरियल फाइव वे, परंतु अगर इन टू पीस को आपस में पलटो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम लेटर है, जबकि इसमें वो अलग काउंटिंग की जा चुकी है। तो इन दो फैक्टोरियल टू से डिवाइड, ठीक है, फाइव फोर थ्री, बाकी टू बंद कर जाएगा और पांच और बीस दिया सात, बस इतना। इंडिया, आई एन डी आई ए, वन टू थ्री फोर फाइव अपॉन देयर आर टू आईज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी, बस आप अगली एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे, आपको इस कॉन्सेप्ट के आधार पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो जस्ट अगली ही होनी चाहिए। How many permutations of the letter of the following words taken all at a time are there? और क्वेश्चन है कमीशन, सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, कितने डिफरेंट वर्ड बना जा सकते हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, क्वेश्चन अपने हिसाब से डाल देंगे। गिवन वर्ड कमीशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू फैक्टोरियल टेन, कब होता? अगर दस के दस अनआइडेंटिकल होते, डिस्टिंक्ट होते, परंतु इसमें से सी एक ही बार है, ओ दो बार आ गया, एम दो बार आ गया, आई दो
बार आ गया और एस भी दो बार बगिस्योर एंड ए वर्ड में कोई लेटर तीन बार आएगा तो फेटरल तीन ओके तो दो कम दो आएगा दो 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 दिन चार दिन आठ दिन में सोलह तो टेन इंटू नाइन इंटू एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अपॉन दो दिन चार दिन आठ दिन सोलह ठीक है तो आठ इंटू दो सोलह से सोलह कैंसिल और बस नौ सत तिरसठ और इंटू जीरो भी होगी ठीक है और इधर चार पंजे बीस एक सौ बीस छः पंजे तीस चौक एक सौ बीस और इंटू तीन तो इंटू तीन बार छत्तीस कर लो तीन सौ डबल जीरो आ जाएगी और गुणा कर लो बस तिरसठ की छत्तीस में छः तिया अठारह एक छत्तीस और एक सैंतीस तीन तिया नौ तीन चौ अठारह आठ सोलह से एक नौ दस ग्यारह बारह बाईस अड़सठ दो लाख छब्बीस हजार आठ सौ वर्ड बनाए जा सकते हैं जबकि एक छोटा सा वर्ड दिखाया जा रहा है ठीक है इसमें बाईस अड़सठ डबल जीरो बाईस अड़सठ दो लाख छब्बीस हजार आठ सौ एक ही नहीं आता बच्चों बिल्कुल एक ही नहीं आता और अगर दस के दस सारे सारे डिस्टिंग होते तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बस सोलह गुना हो जाते सोलह कटा ना सोलह ना आता सोलह दिन बत्तीस मतलब चालीस पचास लाख के आसपास यकीन ना तो इतने वर्ड बन जाएंगे क्या पर ये सत्य है ठीक इसलिए परम्यूटेशन बेहद इम्पोर्टेंट है तो अगली एक्सरसाइज में आपको कॉन्सेप्ट है कि आपको रीअरेंज ही करने हैं परंतु उनमें से अब कुछ आइडेंटिकल भी हो जाएंगे बाकी आपका तेज तर्रार दिमाग सुकून के साथ सोचना और विद स्माइलिंग स्माइलिंग का मतलब यू अंडरस्टैंड ठीक है हम क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं तो स्माइलिंग अपना आप आ जाएगी और क्वेश्चन को उड़ा दो हर क्वेश्चन का आंसर तुरंत चेक करते रहें और आगे बढ़ते रहें प्यारे बच्चों पिछले एक्सरसाइज में एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं ये अच्छी बात नहीं है इतना महान टॉपिक शुरू हो रहा है जिसकी भरमार रहती है इंजीनियरिंग में और आप क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा रहे हो बस बाद में पछताओगे ट्वेल्थ के बाद अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहीं आवश्यकता पड़ी तो बहुत पछताओगे रह रह के मैं याद आऊँगा और ये समय याद आएगा कि हम परम्यूटेशन में सब कुछ कर सकते थे ये टाइम हमारे पास था नो नो गलती ऐसा टाइम आएगा मैं चाहता हूँ ऐसा टाइम ना आए और जम के प्रैक्टिस करो इसकी जय हिंद।